Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Stephen Gogoi and today we'll discuss about the pivot point, support and resistance, market trend or market range in Bank Nifty. You have seen the Bank Nifty today pivot point 26126 and the first support 25996 and the second support 25913 and the third support 25782, first resistance 25209 and the second resistance 26339 and the third resistance 26422. Or ye dekh sakte daily Bank Nifty chart. So daily chart mein aap dekh sakte ye 200 moving average, jise aap dekh sakte 25907 एक नेक लाइन था, तो यहां पे आप देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न, ऑलमोस्ट इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इसको बना के उसको जो नेक लाइन है 25907 उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऑलमोस्ट 100 मूविंग एवरेज, ये जो 100 मूविंग एवरेज है आप देख सकते हैं उसका पास गया हुआ है। तो क्योंकि पहले प्रीवियसली हमें थोड़ा बहुत यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन था और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जिसको बफर जोन भी बोल सकते हैं, तो गया वहां से फिर से थोड़ा रिटेस्टमेंट किया हुआ है। कहाँ पे 26011 जो 200 मूविंग एवरेज और 150 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट बना के रखा हुआ है, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगा तो जो नेक लाइन है नेक लाइन में बाउंस बैक हो सकता है एंड 25902 पे, तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा या डेली में। तो अगर हम 4 आवर में देख सकते हैं तो 4 आवर में देख सकते हैं अपने ये हायर हाई बनाया हुआ है, तो जो 200 मूविंग एवरेज है वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो 200 मूविंग एवरेज और 150 मूविंग एवरेज में प्राइस जो ट्रैपिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है इस यहाँ से जो रिट्रेसमेंट किया है अगर 25,890 जो नेक लाइन है अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो मार्केट यहाँ से बाउंस होकर फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे अराउंड 27,000 के आसपास। और अगर 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट में ये जो नेक लाइन है तो नेक लाइन ब्रेकआउट किया था जो अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट, तो वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे CCI भी माइनस 100 से जीरो की लेवल की तरफ जा रहे है और यहाँ पे स्टॉकस्टिक भी दिखा रहा है ये ओवर सोल्ड जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में देख सकता है यहाँ पे एक हायर हाई बनाया हुआ है और लेकिन यहाँ पे 5 मिनट में ये डाउन ट्रेंड प्लेस हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन का जो मेथड है यहाँ से हायर हाई, तो अगर सेल लेना चाहता है तो इसका नीचे में ही सेल लेना चाहिए रहेगा, जैसे यहाँ पे 26040 तो इसका नीचे से आप सेल जा सकता है तो अप टू 25,900 तक। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.